लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मुझे मोहसिन भाई ने भेजा है, वरना आपका यहां आना मुमकिन नहीं होता। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? मुझे कुछ सामान चाहिए। क्यों या किस लिए चाहिए, इस पर कोई सवाल ना हो। कुछ भी जानने में मेरी दिलचस्पी नहीं है, मेरी दिलचस्पी है लेन देन में। रकम जो आप चाहें और सामान जो मैं चाहूं, बस डील क्लोज। सपना देख के भी कोई रोता है का? सपने तो सपने होते हैं। रो मत बिटिया रानी, हम कल सुबह पहुंच जाएंगे। तुम, हम, मम्मी, शेर, भालू। कौन हो तुम लोग? सिक्योरिटी! ये सारे फाइल्स उठाओ और सारे केमिकल्स फटाफट ले लो।
रहमान, SCDB DMP, in charge bomb disposal unit, batch 25th BCS police, bomb and explosive expert. Seven. Harris. Sir. क्लिक करो, क्लिक करो। हाँ सर। वहाँ फोटो लो वहाँ पे। हाँ। जी सर। वो वहाँ सेंटर में देखो वहाँ पे। हाँ वालो। जी। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। हाँ ध्यान जी जी ठीक है। केस क्या है केस सर? डकैती करते हुए 3 लोगों का मर्डर हुआ है सर। फोटोज लिए हैं क्या? जी सर। कोई सबूत? सबूत को ढूंढ रहे हैं सर। क्या हाल है निमल साहब? सर ये मामला सिर्फ संगीन ही नहीं है बल्कि निहायत ही संगीन। अच्छा जी सर। क्यों? खाली इन 3 केमिकल्स की खातिर इतने लोगों का खून हो गया, भला ये भी कोई बात हुई? कौन से केमिकल्स थे? जैसे 1 नंबर पे ये है प्यूरिक एसिड। प्यूरिक हाँ, हाँ, वही। और 2 नंबर पे है पोटेशियम क्लोरोफॉर्म। क्लोराइड? पोटेशियम क्लोराइड। जी सर पोटेशियम क्लोराइड। और ये 3 नंबर पे तो बहुत ही आसान है, वो क्या कहते हैं आप लोग, वो ऑक्सैलिक एसिड। जी सर वही 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 वाला सर। पढ़कर भी बोला नहीं जा रहा है निमत साहब। नहीं सर, सर सर पूरा लॉट ही लेकर चले गए सर, ये तो डकैती है सर। सुनिए जी सर, यहाँ जितने भी एविडेंस हैं सबकी फोटोज निकाल कर रखिए। जी एक भी एविडेंस टैम्पर्ड नहीं होना चाहिए। सर 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 आपको क्या लगता है आज की इस वारदात में किसका हाथ हो सकता है? सर आखिर ये वारदात कब हुई, कितने लोगों का खून हुआ बता सकते हैं? देखिए अब तक ऐसी सिचुएशन पर पहुंचे नहीं है कि हम आपको कोई भी जवाब दे पाएंगे। सर आगे भी जवाब दे पाएंगे क्या? सर आपको क्या लगता है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने वहां नकली बॉम्ब रखा था? देखिए क्योंकि ये एक फेक बॉम्ब था तो हमें लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश होनी चाहिए, छोटे मोटे अपराधी ये नहीं कर सकते। आज नकली बॉम्ब की वजह से लोग इतने खौफजदा हो गए, कल को अगर असली बॉम्ब हुआ तो आप उसे क्या कहेंगे, पुलिस की लापरवाही कही जाएगी या कोई और वजह? देखिए पुलिस ऐसी सिचुएशन का सामना पहले भी करती आ रही है तो दिस इज नथिंग न्यू। इसका मतलब हमें सचमुच किसी बॉम्ब अटैक का खतरा है? बिल्कुल नहीं, बल्कि आप लोग सेफ हैं। आपने खुद कबूल किया था कि खतरे की संभावना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पुलिस अभी तैयार है। आप लोग जब गर्मियों में एसी के नीचे नरम बिस्तर पे या सर्दियों में गर्म बिस्तर में मजे से रजाए उड़े आराम करती रहती है ना और टीवी देखती हैं, तब भी आपकी गली या नुक्कड़ पे खड़ा कोई ना कोई पुलिस ऑफिसर आपकी रखवाली करता है, तो मेहरबानी करके ये मत कहिए कि पुलिस तैयार नहीं है। आप मेरे सवालों के जवाब दिए बिना ही यहाँ से जा रहे हैं। देखिए आतंक बढ़ाकर खबरों को बेचना जिनका काम होता है उनको जवाब देना हमारा काम तो कतई नहीं। थैंक यू एवरीवन। आज कोई जवाब है आपके पास? सवाल तो कभी भी पूछा जा सकता है लेकिन जवाब हमें ढूंढना पड़ता है। थैंक यू एवरीवन। ओके सर। ओके सर। ये रिपोर्टर कोई आम रिपोर्टर नहीं है सर, एकदम खतरनाक रिपोर्टर है, जैसी बातें वैसा ही रूप। रूप से कुछ भी नहीं होता है निमत साहब, इंसान की असली पहचान ना उसका बर्ताव होता है। उसका बर्ताव क्या मैं भूल जाऊंगी? कभी भी नहीं। मैं आबिद रहमान हूँ, पूरे लोगों को और उनके बर्ताव को कभी नहीं भूलता। 2 साल जर्नलिज्म से गैप लेकर पता है मैं वापस क्यों लौट आई मेहर? इस साबित के लिए मेरे पास एक प्लान है। इस केमिकल इंडस्ट्री के सीसीटीवी फुटेज की क्वालिटी भले ही बहुत ही खराब हो फिर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जुल्फिकर। प्रोफेशनल किलर जुल्फिकर? इस वारदात के एक दिन पहले से वो लापता है सर। केमिकल्स क्या बहुत कीमती थे? लोगों का खून करके ले जाने जितना तो नहीं, वैसे भी इससे ज्यादा कीमती केमिकल्स वहां मौजूद थे सर, लेकिन लिए नहीं। लेकिन एक प्रोफेशनल किलर ऑर्डिनरी केमिकल्स के साथ क्या करेगा? वही तो। आ, 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 आ,
पिछले 10 दिनों में जो संदिग्ध अवस्था में हमें लाशें मिली हैं उनके ऊपर ये सब लिखा हुआ है। खून का मोटिव? मोटिव अब तक पता नहीं चला है सर। इनमें से हर कोई ग्लोरी केमिकल की डकैती से जुड़ा हुआ था सिवाय एक के, जेमी सिंह। ये कोई रेगुलर क्रिमिनल का काम नहीं है। हमारे देश के क्राइम का पैटर्न ऐसा बिल्कुल नहीं है। पता नहीं सर, लेकिन हाँ ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई हमें यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट को किसी तरह की कोई हिंट दे रहा हो या फिर कोई चैलेंज कर रहा हो। लाश की जेब में स्माइली पेपर लीजिए ताजा खबर पढ़िए। इस गाड़ी को सामने से हटाओ, वैसे ही बहुत देर हो गई है। हाँ ठीक है। लोटस इंटरनेशनल स्कूल। कैजुअलिटी कितनी है सर? 5 लोग स्पॉट डेड एक अस्पताल में जाने के बाद और 14 लोग घायल हैं। और बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे मरे हैं सर और 8 बच्चे घायल हो गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लोटस इंटरनेशनल में इस वक्त एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। इतना भयानक बॉम्ब ब्लास्ट ना हमने कभी देखा था और ना ही कभी सुना था। सर, ये है बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट के इंचार्ज एसी आबिद। सर, बम किस तरह का था कुछ बता सकते हो? सर, मेरे हिसाब से ये एक विक्टिम फायर्ड बॉम्ब था। विक्टिम ने खुद गाड़ी का दरवाजा खोल के बॉम्ब फटने में सहायता की है और टेक्निकली कहूं तो ये बहुत ही एक्सपर्ट बॉम्ब मेकर का काम है। आबिद, तुम्हें कोई आइडिया है कि इस तरह का बॉम्ब कौन बना सकता है? सर, अब तक तो हमें कोई भी आइडिया नहीं है क्योंकि बॉम्ब बहुत ही क्रिटिकली बनाया गया था। ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। शो योर बेस्ट। सर, चलिए अंदर चल के देखते हैं। प्लीज सर, आइए सर।
स्कूल के सामने बॉम्ब ब्लास्ट, इससे पहले हमने ना ऐसा सुना है ना देखा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शायद कोई है जो हमारे देश की शांति भंग करना चाहता है, क्योंकि ये मासूम बच्चे किसी के दुश्मन तो नहीं हो सकते। शांति भंग करने की कोशिश कौन कर रहा है? कोई राजनीतिक दल या कोई आतंकवादी संगठन या कोई विदेशी मुल्क? आप कंटिन्यू कीजिए। सर, दिस इज नॉट अ सिंपल क्वेश्चन। हालांकि इस बार का हादसा बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। फिलहाल इतना जान लीजिए, इस घटना के पीछे जिन लोगों का भी हाथ है उन्हें हम जरूर ढूंढ के निकालेंगे। That's all for today, okay? सर, सुनिए, सर। लोटस इंटरनेशनल स्कूल के सामने हुए बॉम्ब ब्लास्ट में घायल और दो बच्चों की मौत की खबर मिली है। अब तक इस खतरनाक बॉम्ब ब्लास्ट में मृतकों की संख्या 7 हो गई है। इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ है, ये सवाल पूछने के बावजूद भी पुलिस के पास कोई पक्का जवाब नहीं है। मुमकिन है कि पुलिस इस मामले में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहती। कैमरामैन संतोष के साथ रवि साइनिंग ऑफ। आपको पता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे बुलाया है, पर समझ में नहीं आता मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। सर, मामला बहुत क्रिटिकल है और आगे भी इस तरह के हमले हो सकते हैं। हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है सर। सर, आप तो जानते ही हैं, एक घटना का समाधान करने का मतलब कई और घटनाओं को घटने से रोकना है। हमारी सरकार पुलिस को हर तरह की सुविधा देने को तैयार है। आप लोगों को जो कुछ भी चाहिए हमें बताइए। सर, एक हफ्ते का समय लेंगे। हमारी यूनिट के बेस्ट ऑफिसर को ये जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। एडीसी साजिदुल को आने को कहो। सजीदुल करीम, एडिशनल डिप्यूटी पुलिस कमिश्नर, डीबी डीएमपी, होशियार डिटेक्टिव एग्जीक्यूटिव, रिलायबल कमांडिंग स्किल्स और अचूक छानबीन करने की क्षमता रखने वाले। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के सबसे बहादुर पुलिस ऑफिसर्स को आज यहां बुलाया गया है। पूरे देश की नजर हम पे है। अगर हम नाकाम हुए तो देश नाकाम होगा। हमारे मिशन का नाम है देश। सर, आबिद सर, सीधे मुद्दे पर आओ। सर, जिन चीजों को हमें नोटिस करना चाहिए, नंबर वन, एक्सप्लोसिव्स काफी अलग अलग किस्म के थे, जो कि अक्सर ऐसा नहीं होता। नंबर टू, जान माल का नुकसान बढ़ाने के लिए गाड़ी में हद से ज्यादा पेट्रोल से भरा हुआ ड्रम रखा गया था। नंबर थ्री, बॉम्ब बनाने की टेक्निक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। साफ पता चलता है कि इनके पीछे जो भी लोग हैं वो हाईली स्किल्ड हैं। नंबर फोर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लोटस स्कूल में बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला था, इसका क्लू बहुत पहले दिया गया था। मतलब सर, उस दिन हमें जो मिला था OTUS, उसके बाद एक स्माइल नाउ। स्माइल मींस लाफ। अगर हम लाफ से एल लेते हैं, उसके बाद OTUS, लोटस। उन्होंने हमें चैलेंज किया था, यानी इनका कोई बड़ा प्लान होगा। Well, उनके पास जो टेक्निकल नॉलेज है उसके जरिए वो लोग इससे भी कई गुना भयंकर ब्लास्ट कर सकते हैं सर। सर, जितना हमने सोचा था ये मैटर उससे भी ज्यादा सीरियस है। अबिद सर, तुम इस एक्सप्लोसिव के सोर्स का पता लगाओ। सर, बॉम्ब स्क्वाड हॉटलाइन सर्विस को और ज्यादा एक्टिव करो। 24 घंटे रोस्टर ड्यूटी शुरू करो। बॉम्ब स्क्वाड टीम को स्टैंड बाई में तैयार रखो। सर, हमें अटैक के सभी एंगल पे काम करना होगा। निसार, तुम्हें देखना होगा उस स्कूल की ओनरशिप और लैंड प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। यस सर। शंकर, तुम्हें देखना होगा कि मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके सर। बात तुम्हारी ड्यूटी होगी, पिछले 2 महीने में जितने भी क्राइम हुए हैं उन्हें खंगाल के देखो कोई कनेक्शन मिलता है या नहीं। जी सर। और साफिया, तुम ये पता करो कि उस गाड़ी का मालिक कौन है। ओके सर। नासिर, जिन लोगों की मौत हुई है उनका या उनकी फैमिली में से किसी का भी अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है या नहीं ये पता लगाओ।
अपनी माँ के साथ स्कूल जा रहा था, अचानक से एक आवाज़ आई, फिर मुझे कुछ याद नहीं है। मैं गाड़ी की खिड़की के पास बैठा हुआ था, जाकिर अंकल गाड़ी हटाने गए थे, उसके बाद जाकिर अंकल नहीं रहे। आप लोगों ने देखा कि ये छोटे से मासूम बच्चे किस तरह से घबराए हुए हैं? पूरे देश को इंतजार है कि कब उन इंसान के रूप में छिपे सारे हैवानों को सजा मिलेगी। कैमरामैन मेहर के साथ मैं ज्योति, 24 लाइव। बहुत बढ़िया है मैडम। ओके, लाओ, ओके। मुझे दो। हाँ, ये लीजिए। बेबी ये लो, ले लो, खा लो। थैंक यू दीदी। ख्याल रखना। ठीक है मैडम। जनता के लिए एक जरूरी सूचना, ढाका महानगर के साथ साथ देश के किसी भी कोने में किसी किस्म का बॉम्ब या बॉम्ब जैसी देखने वाली कोई भी वस्तु या विस्फोटक कोई भी चीज दिखे तो उसे हाथ न लगाएं, बल्कि 2666 नंबर पे जल्द से जल्द कॉल करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। फोन किसी भी नेटवर्क से किया जा सकता है। लोकहित में बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट, ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस। हेलो, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट। हाँ, पता बताइए। All set. Okay, let's move. वो वहां पर सर, वो देखिए वो बेंच के नीचे। साहब डिफ्यूज करना होगा, इक्विपमेंट लेकर आइए, लोगों को हटाइए वहां से। सब पीछे हटिए, जाइए पीछे, चलिए पीछे जाइए। सर ये प्लेट मैं लेता हूँ। लाइए सर, लाइए। आराम से उतारिए। इसे अभी चेक करते सर। सर फेक आईडी। ऐसे सीरियस मामले को लेकर भी मजाक करता है। सर सबसे पहले इन्होंने बम देखा था। ओ सर, हम सब साथ ही में थे, अचानक लगा कि शायद कोई बम है, इसलिए आप लोगों को इन्फॉर्म किया। अच्छा कि आपने एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपने काम किया, बहुत अच्छे। चलो चलो ये सब समेटो, चलो। सर, लोटस इंटरनेशनल स्कूल के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद पूरे शहर में आतंक का माहौल बना हुआ है। कोई संदेहजनक वस्तु को देखते ही जनता बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट को फोन कर रही है, पर ज्यादातर मामलों में पाया जा रहा है कि वो फेक है। ये हमें बताया बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट के आबिद रहमान ने। हेलो सर, कैसे हैं आप? मेरा मन कहता है कि ये केस तुम किसी और को दे दो। ऐसा क्यों सर, मैं तो इस केस में बहुत आगे निकल चुकी हूँ। जो लोग इस केस से जुड़े हैं वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। अगर आपको ऐसा लगता है सर कि मैं लड़की हूँ इसीलिए ये नहीं कर सकती, तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन अगर आपको मेरी काबिलियत पे कोई शक है तो। नहीं नहीं ज्योति, वो बात नहीं है। तुम गुस्सा मत करो, कोई ये कर पाएगा तो सिर्फ तुम ही हो, लेकिन केस इतना डेंजरस है, मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं ये केस सॉल्व करना चाहती हूँ सर, और मुझे पता है कि इससे अच्छा मौका तो मुझे अपने इस करियर में कभी नहीं मिलने वाला। ओके, ठीक है करो, लेकिन सावधानी के साथ। आप बेफिक्र रहिए। स्कूल के ओनरशिप और लैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं सर, लेकिन इस घटना के एक दो महीने पहले एक केमिस्ट्री के टीचर को मैनेजमेंट ने सस्पेंड किया था, फिर उस टीचर के सीन क्रिएट करने पर पुलिस ने उसे बाहर निकाल दिया था। ओ सर, दो महीने पहले वो गाड़ी गोशान से चोरी की गई, क्रॉस चेक किया तो गाड़ी का मालिक सच बोल रहा था। ओके, हमने चेक किया तो मृतकों के साथ अंडरवर्ल्ड का कोई भी कनेक्शन हमें नहीं मिला है सर। ग्लोरी केमिकल के साथ इस बॉम्ब ब्लास्ट का कोई डायरेक्ट कनेक्शन ना हो, पर डेड बॉडी पे पाए गए कोच से एक कनेक्शन साबित होता है सर। शंकर सर, तुम्हें उस केमिस्ट्री टीचर का पता लगाना होगा। ओके सर। केमिस्ट्री, केमिकल, बॉम्ब, ये सब रिलेटेड है। यस सर। नासिंग, यस सर, तुम्हें देखना है कि यहाँ राइवलरी से जुड़ी कोई दुश्मनी तो नहीं है। हमारे पास सबसे बड़ा क्लू है वो चुराई हुई गाड़ी। यहाँ
दो बातें हो सकती हैं। आतंकवादी गिरोह ने गाड़ी को चुराया था या उन्होंने चोरी की गाड़ी खरीदी। हमारे लिए सेकंड ऑप्शन का होना बेहतर है। आबिद, ढाका शहर के सारे गाड़ी चोरों को मैं कस्टडी में देखना चाहता हूँ। सर, इन दैट केस हमें अशफाक की जरूरत होगी। देन कॉल हिम। अशफाक हुसैन, ACDB DMP, इंचार्ज SWAT टीम, बैच 25th BCS पुलिस। दरवाजा खोलो। ब्रेव एंड कॉम्बैट एक्सपर्ट। SWAT गेट डाउन, SWAT गेट डाउन, डोंट मूव। इस तरह से पकड़ना पड़ता है चोरों को। आउच। कहते हैं मुझे कोई काम नहीं करने देंगे, सारा काम खुद ही करेंगे। नूडल्स बना के लाए हो? Good, very good. संभल कर, आउच। लेकिन स्पाइडरमैन, मैं खाऊंगी कैसे? उप्स, एक सेकेंड। रुको रुको। थैंक यू। हेलो। पहले ऑफिस नहीं जाओगे, वादा किया था ना? अरे ऑफिस नहीं, रातुल ने कॉल किया था। रातुल? उसे तुम नहीं पहचानती? बहुत साल पहले ही विदेश चला गया था, मेरा स्कूल का फ्रेंड है। बेचारा अकेला है, ऊपर से उसे डेंगू हो गया है, इसलिए फोन करके बुला रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ओ बेचारा। ऑफ कोर्स तुम जाओ, दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा। मैं इस हालत में अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? धत, कुछ नहीं होगा मुझे। कोली है ना मेरे पास, तुम टेंशन मत लो, जाओ। मैं बस गया और आया। आप घर नहीं जाएंगे? तुम निकल जाओ, मुझे थोड़ी देर। सर, SWAT get down! SWAT get down!
डोंट मूव, डोंट मूव, डोंट मूव। चलो। हाल ही में हमें ऑपरेशन में बदलाव नजर आया है। हाई रिस्क ऑपरेशन के लिए बनी पुलिस की स्वॉट टीम ने भी कल रात शहर के कई इलाकों में छापे मारकर कई संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन स्वॉट टीम जैसा एक विशेष दल भी पत्रकारों के सवालों का जवाब देने में असमर्थ। भाई सब जरा जल्दी कीजिए प्लीज। ऑफिशियल्स ने भी हमें जवाब देने से इनकार कर दिया है। अब तक हम ये नहीं जान पाए हैं कि सर ग्लोरी केमिकल से चुराए गए केमिकल से ही ये सारे बॉम्ब एक्सप्लोजिव्स बनाए गए हैं। ये एक नया फॉर्मूला है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले ग्लोरी केमिकल्स के चीफ केमिस्ट राजीव बासु ने उन्होंने इस बारे में जर्नल में लिखा था, लेकिन कुछ खास अहमियत नहीं मिली। सर ये उसकी रिपोर्ट है। सर मेरा सवाल ये है, उन मासूम बच्चों को मारने के पीछे क्या मोटिव होगा? और साथ ही डकैती से जुड़े सारे डकैतों का खून कर दिया गया है, व्हाई? केमिस्ट्री टीचर का मुद्दा नेगेटिव है। ऊपर से ये प्रोफेशनल राइवलरी का कोई क्लू भी नहीं मिल पाया है। हमारे पास एकमात्र गेटवे है, चोरी की वो गाड़ी। सर हमने बहुत सारे गाड़ी चोरों को अरेस्ट कर लिया है। मुजरिमों के होते हुए पुलिस सिर्फ गाड़ी चोरों को पकड़ने में क्यों जुट गई? आखिरी बार चोरी कब की थी? मैं गांव गया था सर, पिछले हफ्ते ही आया हूँ सर, मुझे कुछ नहीं पता है। हम चोरी करते हैं सर, पर लूटमार नहीं करते। पिछले महीने गोशान से हमने कोई गाड़ी चोरी नहीं की सर, अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूँ। ये बताओ मोटरसाइकिल लेकर कौन कौन चोरी करते हैं? सर मकीब का ग्रुप, वो लोग ड्राइवर को गोली मारकर गाड़ी लूट के ले जाते हैं। और वो जो गाड़ी के शीशों पर पत्थर फेंकते हैं वो नया ग्रुप है सर। और जैक भी कभी कभी इस तरह के काम उठाता है। जैक? जाकिर सर, उसे सब जैक कहते हैं। रतन अभी जेल में है तो शायद जैक ने ही ये काम किया होगा। जैक नहायत ही चालाक और शातिर, इसलिए पुलिस के पास उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। मेन धंधा चोरी की गाड़ियों की खरीद फरोख और उन्हें रेसिंग में लगाकर अमीरों के बच्चों को ज्यादा दामों में बेचना। अशफाक सर, तुम्हें प्लान ए एग्जीक्यूट करना होगा। सर आबिद सर, तुम प्लान बी तैयार रखना। श्योर सर। इस ऑपरेशन में बॉम्ब डिस्पोजेबल टीम के अलावा हमें लोकल पुलिस की मदद चाहिए होगी। राइट सर। टेक एवरीथिंग यू नीड, just bring me that check, he is the thief. Sir, sir. Guys, sir, move. Yes, sir. To the all member of Delta 2, silently target के जितना करीब हो सके जाओ, go and take position. हमने position ले ली है. Delta 2 मेरी दाईं तरफ है. Over. ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हर बात की limit होती है. Station alert, all station alert, take position. We are going to execute plan A. I repeat, plan A. Sir, suspect blue car mein ja raha hai. All stations, race khatm hoti hai, hum operation shuru karenge. Get ready.
घेर लिया है। कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज, राउंड, राउंड, राउंड। All stations, सारे एग्जिट सील करो। धतरेगी। सील ऑल द एग्जिट्स, सील ऑल द एग्जिट्स। जस्ट फॉलो द ब्लू कार। यानी प्लान बी फाइनल? वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। यू आर राइट। ओके, चेंज इन प्लान, प्लान बी। सस्पेक्ट जिंदा चाहिए, नो कैजुअल्टी। आई रिपीट, सस्पेक्ट जिंदा चाहिए, नो कैजुअल्टी। सारे चेक पोस्ट को अलर्ट रहने के लिए कह दो। जी सर। बी अलर्ट, गाड़ियां तुम्हारी बैरिकेड की तरफ आ रही हैं, गाड़ियां तुम्हारी बैरिकेड की तरफ आ रही हैं। जस्ट बी अलर्ट। एक गाड़ी तुम्हारे चेक पोस्ट की तरफ आ रही है, अलर्ट रहो। सर, ब्लू कार में जैक नहीं है। जैक नहीं है? थैंक्स ब्रो। मुझे लगता है गाड़ी उस तरफ गई है। ओके। बच्चों का खून करके तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? खून? मैं खून करूंगा? वो भी स्कूल के बच्चों का? मैं इन सब में नहीं पढ़ता। मान ले अगर मेरी पिस्तौल से किसी का खून हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। तेरी चुराई हुई गाड़ी से अगर किसी का खून हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी तेरी है। इन 11 लोगों का खून तूने किया है। मेरी माँ की कसम सर, चिटागोंग के रसल के साथ मैं गाड़ियों का धंधा चलाता हूँ। पिछले हफ्ते उसके पास मैंने गाड़ी बेची थी। रसल? चिटागोंग का कार ब्रोकर रसल? जी सर। सस्पेक्ट नेम रसल, उम्र 37, पेशा चोरी की गाड़ियों का ब्रोकर, पता नौरानी बस्ती, हाली शहर चिटागोंग। अभी के अभी दो टीम तैयार करो, आज रात उसके यहां एक जलसा है। सो देगा तो तेरी भलाई। नहीं नहीं, अच्छा है ये गाना बजाना, ये कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जैक के पास से जो काली गाड़ी खरीदी थी उसके बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन छुपाने की कोशिश की
वो बहुत बड़ी गलती होगी और गुनाह भी होगा। मेरी बात तुम समझ गए होगे। सर, ये कौन सी गाड़ी है? और जैक, ये भला कौन है? मैं किसी जैक को नहीं जानता। ओ, देख रसल, वैसे भी मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। पहले तू अपने एक दोस्त से बात कर ले, उसके बाद मैं अपनी बात कहूंगा, ठीक है? क्यों, पहचान करा दूं क्या? बोल, गाड़ी कहाँ है? अशफाक, तुम्हें तो इस वक्त मेरे साथ होना चाहिए था ना? तुमने तो इसीलिए छुट्टी ली थी ना? तुम चिंता मत करो, मैं सही समय पर आ जाऊंगा। तुम बस टाइम से अपनी दवाइयां लेती रहना, याद से। तुम क्यों नहीं समझते, मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें हर पल मिस अच्छा करती रहती हूँ। मैं रखता हूँ। इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? अपनी वाइफ से झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक्शन फ्रंट और फैमिली फ्रंट एक नहीं होता। शादी हो जाएगी तो समझ जाओगे। भतीजा है या भतीजी है? पता नहीं, पता करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वो चाहे कोई भी हो, होगा तो मेरा हिस्सा ही। अच्छा, उस रिपोर्टर लड़की का क्या माजरा है? कुछ समझ में नहीं आता। इस केस के बारे में जहां भी जाता हूं ना, वो वहां पहुंच ही जाती है। पर क्यों? उठा कर ले आऊं, इंटरोगेट करोगे? पागल है क्या? ये लोग ना मीडिया वाले हैं, अगर सबूत के बिना कुछ किया ना तो हाथ धोकर पीछे पड़ जाएंगे। अगर करना है ना तो सोच समझ कर करना होगा। सर, एडीसी सर आपको बुला रहे हैं। ठीक है, चलो। सर, उसका पता चल गया है, बंदर वन के बहुत अंदर रहती है, अपने तरीके से एक दल चलाती है। थोड़ा रिस्की ऑपरेशन होगा। अबेद, सुनो। सर, तुम्हें लीड करनी होगी डीबी की हाई रिस्क ऑपरेशन टीम, दैट इज डेल्टा वन। करेक्ट सर। अशफाक सर, तुम अपनी स्वैट टीम को लीड करोगे, दैट इज डेल्टा टू। सर। ऑलराइट टीम, पे अटेंशन। टारगेट लोकेशन कंफर्म्ड। मेरे साथ रहेंगे हाई रिस्क ऑपरेशन के सात सदस्य। हम मूव करेंगे नॉर्थ से स्ट्रेट टू द टारगेट लोकेशन। डेल्टा वन के सदस्यों, 90 डिग्री एंगल मेंटेन करके हम टारगेट लोकेशन की ओर बढ़ेंगे। मेरे साथ रहेंगे स्वाट के सात मेंबर्स। हमारा टारगेट है उन्हें चौंका देना। वी हैव नो आइडिया अबाउट देयर आर्म्स एंड मेन, नथिंग। सो आवर ओनली प्रिविलेज इज दे डोंट नो वी आर कमिंग। हमें उनकी इस अनप्रिपेयर्ड हालत का फायदा उठाना होगा। ऑलराइट, लेट्स गेट टू इट। डेल्टा वन, डेल्टा टू, लेट्स प्ले। ठीक है,
Hey, चलो यहाँ से, चलो चलो यहाँ से, मूव या या वो सामने Man down. We need medical support ASAP. Delta One received. Okay, sir. Boat ready, karo. Delta 1 for Delta 2. Delta 1 for Delta 2. This is Delta 2. Inside, all clear. Outside, all clear. हम अंदर पहुंच चुके हैं. क्या हालचाल? We need Kaiser. Medical support. Kaiser, boat ready है ना? On the way ना? Fast, fast, fast. Cover करो, cover करो. Guns ले लो, cover करो. Come on. उसे boat पर ले आओ. जल्दी, जल्दी, जल्दी. चलो, जल्दी, जल्दी, faster. Yes, yes. Okay. Okay. Ashfaq, we've got another location. यहाँ से 7 मील चल के आगे जाना होगा. For safety reasons, हमें चल के ही आगे जाना होगा. चलो, come on, come on. Team, move, move, move. जरूर आसपास ही है सर. Don't move!
ये क्या कर रही है यहाँ? क्या कर रही है यहाँ पर? इस बॉम्ब केस के सिलसिले में जहां जाता हूं वहां पहुंच जाती है। इस केस से तुम्हारा कोई कनेक्शन है क्या? हाँ? और इन बॉम्बर्स को तुम अच्छी तरह से जानती हो क्या? जवाब दो, जवाब दो। ट्रस्ट मी, आई विल शूट, आई वोंट आस्क एनीथिंग। वन, टू। बॉम्ब ब्लास्ट के केस को मैं शुरू से ही इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन कोई क्लू नहीं मिल रहा था मुझे। पहला क्लू मिला जैक की रेस में। जैक की रेस को मैं शूट करना चाहती थी, लेकिन जैक राजी नहीं हुआ, इसीलिए छिप छिप के रेस कवर कर रही थी। और अचानक मैंने आप लोगों को देखा, तो समझ गई कि बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़ा कोई ना कोई क्लू तो जरूर होगा। उसके बाद की सारी छानबीन आप लोगों ने ही की है, मैंने तो बस उसका फायदा उठाया है। लेकिन उसके सहारे रसेल का पता लगाना मुमकिन नहीं था। हाय अल्लाह, उस्ताद को फांसी क्यों होगी? जिस गाड़ी में बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से 11 लोग मारे गए, उस गाड़ी को तुम्हारे उस्ताद ने ही चुराया था, समझ गए? लेकिन उस गाड़ी को तो उस्ताद ने किसी और को बेच दिया। किसके पास? रसेल चिटगोंग में रहता है। मोमिन सर, एक काम करो, तुम गाड़ी चुराने वालों का पता लगाओ। यस सर। आप लोग रसेल को लेकर गए और मैं गई रसेल की माँ के पास। मुझे गाड़ी के बारे में कुछ पता तो नहीं चला, पर मिल गया मॉन्क। क्या कह रही है मैडम? 4-5 साल के लिए जेल होती है तो हो जाए, फांसी हुई तो मैं खत्म हो जाऊंगा। जैसे भी हो रसेल को आप बचा लीजिए। ऐसा करने के लिए तो जानना पड़ेगा ना कि रसेल ने वो काली गाड़ी कैसे बेची थी। मॉन्क के सहारे असगर के पास पहुंची, लेकिन आप लोगों के आने की खबर पाकर असगर भाग गया और मैं यहीं रह गई। वाह, कमाल की स्टोरी है। नाइस। लेकिन सॉरी, हम आप पर यकीन नहीं कर पाएंगे, हमें आपको अरेस्ट करना होगा। मुझे अरेस्ट करके आप लोगों को क्या फायदा होगा? प्रोफेशनल रीजंस की वजह से मैं 1-2 दिनों में छूट ही जाऊंगी। लेकिन अगर आप लोगों ने मुझे अरेस्ट नहीं किया, छोड़ दिया, तब तो आपको बड़ा फायदा हो सकता है। वो कैसे? मैं आप लोगों को असगर तक पहुंचा सकती हूं, लेकिन इसके लिए डील करनी होगी। एक्सक्यूज मी, डील? यस, डील। पूरे ऑपरेशन के दौरान मुझे आप लोगों के साथ रहकर शूट करने की परमिशन देनी होगी, और वो होगा ज्योति एक्सक्लूसिव। होल्ड। सर, बादशाह भी कस्टडी में है, ये लड़की सच बोल रही है। ठीक है। ओके। पुलिस इस बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में भले ही कुछ पता ना लगा पाई हो, लेकिन दर्शकों को बता दें कि हमारी छानबीन के जरिए निकल कर आया है एक बेहद अहम फैक्ट कि ग्लोरी केमिकल्स और लोटस इंटरनेशनल स्कूल के मालिक एक ही है। हालांकि कागजी तौर पे इसका कोई सबूत नहीं है। तो दर्शकों, हम लोटस इंटरनेशनल के MD जुबैर अहमद से बात करके पूरे केस के बारे में जान पाएंगे, और अब हम उनसे ही बात करने वाले हैं। सर जी, कहिए। सर, ग्लोरी केमिकल्स के मालिक हसरत करीम क्या आपके रिश्तेदार हैं? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन आपकी गवर्निंग बॉडी आपके स्कूल की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन हसरत करीम है, क्या ये बात थोड़ी संदिग्ध नहीं है? आपसे किसने कहा कि हसरत करीम गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन है? चेयरमैन मैं हूँ। अगर ऐसा है भी, तो 8 महीनों की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में चेयरमैन की जगह हसरत करीम के सिग्नेचर्स क्यों हैं? मुझे बताइए। सॉरी, मुझे जल्दी है। दर्शकों, देखा आपने, जुबैर अहमद के इसी रवैये की वजह से हमारे दिल में सवाल उठते हैं। ग्लोरी केमिकल्स में हुई डकैती और उन्हीं की ओनरशिप के अंतर्गत बने स्कूल के सामने बॉम्ब ब्लास्ट, क्या ये महज इत्तेफाक है? पूरे केस को उलझा के रख दिया है। अशफाक, मैं जानती हूँ रातुल नाम का तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है। तुम चुप क्यों हो? एक जरूरी ऑपरेशन में हूँ। तुम संभल के रहना प्लीज। ये
सिर्फ सरदर्द नहीं है, हद से ज्यादा सरदर्द है। चल सो जा। आसमान पे कोई क्लू लिखा हुआ है क्या? सप्तर्षि अगर कोई क्लू है तो सही है। पता है ना, ये सब कुछ जैसे घूम रहा है, साथ साथ हम भी घूम रहे हैं। किसी के साथ किसी का कोई मेल नहीं, लेकिन आखिरकार सब जाकर वहीं पर मिल जाते हैं। बाप रे, एसी आबिद फिलोसोफर है, ये तो मुझे पता नहीं था। अब इसमें मेरी क्या गलती है? सारी गलती तो इस रात की है। ये रातें ना बाहर के सख्त ढांचे को तोड़कर इंसान का नरम दिल बाहर ले आती है। देखो ना, दिन में जो अशफाक इतना सख्त और रूखा सा लगता है, रात में उसका रूप देखो। वो तो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ से बात कर रहा है। जब आपकी वाइफ होगी तब आप भी करना। आपने तो कहा था कि सुबह के 4 बजे आपको निकलना होगा, तो जाइए, जाकर सो जाइए, वरना कल का दिन भारी पड़ जाएगा। गुड नाइट। क्या हुआ? डरिए मत, आपके तारों पे मेरी नजर नहीं है। मॉन्क जी, पुलिस के साथ उल्टा सीधा करोगे तो फायदे से ज्यादा नुकसान होगा, पता है ना? जी सर। इरादा क्या है? रासेल से मुझे बहुत सारा पैसा वसूलना है। उसे फांसी हो गई तो मैं खत्म। मैडम ने कहा कि अगर असगर मिल गया तो रसल फांसी से बच जाएगा। मूव मूव। मॉन्क जी, अगर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन गलत निकली तो मैं ही तुम्हें गोली मार दूंगा। सर ये बात याद रखना। ठीक है सर। अच्छा, ये मॉन्क अपनी जान की बाजी लगाकर आपकी मदद कर रहा है, आखिर बात क्या है? You don't know. I'm very special. Special? यानी मॉन्क को रासेल से जो पैसे मिलने वाले हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना? ऐसा कह रही हो ना तुम? दरअसल वो। क्या बात है सर? आपने तो एकदम बोलती बंद कर दी। Well, jokes apart, आपसे एक सवाल करता हूँ मैं। आपने तो इस केस को लेकर थरू इन्वेस्टिगेशन की है ना? जी, काफी हद तक। 5681 क्या ये नंबर्स किसी तरह से इस केस से रिलेटेड हैं या नहीं? 5681 नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं लगता। अरे लेकिन क्यों पूछ रहे हो? वो देखिए, साहब वो देखिए सामने, साहब सामने। मैं और आगे नहीं जाऊंगा साहब, उन लोगों ने मुझे देख लिया तो पहली गोली मुझे मारेंगे। ओके, हम इस तरफ से जाएंगे ताकि वो सामने से कवर करेंगे। ठीक है, ओके। ज्योति आओ, इस जोन से आगे मत जाइए। वी आर प्लेइंग विद लाइफ। बस आप लोग ही प्रोफेशनल हो सकते हैं क्या? व्हाट? प्रोफेशन के लिए हम भी अच्छा कोई भी रिस्क ले सकते हैं। But that's not safe. That's my issue. तुम कैमरा ऑन रखना, ठीक है? चलो वहां चलते हैं। चलो चलो। हाँ।
अरे आओ ना। वहां देखो। कितनी बेटी है? गोली कितनी है? थोड़ा और ज़ूम करो, ठीक है? साफ दिखना चाहिए। मैं जानता था तू भागने की कोशिश जरूर करेगा। Get down! Get down! No, no! We need him alive! Move! अशरफ, मुझे कहां ले जा रहे हो? ले जाओ इसे कोर्ट में, मुझे पेश कीजिए। आगे ले जाओ, यहीं रुक जाओ। सर, पूछताछ के दौरान तूने कुछ नहीं बताया, अब हमें जो करना है हम वही करेंगे। माथे के बीचों बीच, दोनों आंखों के बीच में। सर, देखते हैं कौन गोली मारेगा। सर, इस बार की ट्रेनिंग में सबसे खराब निशाना किसका था? मेरा सर। तुम्हारा? आओ। नहीं सर। चलो शूट करो। सर, दोनों आंखों के बीच में मारना, समझ गए? सर। जी सर। सर, शूट हिम। अरे यार, इतना खराब निशाना और पुलिस में हो। चलो जाओ जाओ। इस बार की ट्रेनिंग में सबसे बढ़िया निशाना किसने लगाया था? मैंने सर। ओ, आ जाओ। एकदम माथे के बीच में। हाँ सर। नहीं सर। शूट हिम। सर, मुझे मत मारिए सर, मैं सब बताता हूँ। मुझे जो कुछ भी पता है मैं सब बताऊंगा सर। बोल। सर, मेरे बंदरवन के अड्डे पे एक आदमी आया था। हथियार तो ठीक है, लेकिन गाड़ी का क्या काम? पहले ही बात हो गई थी, तुम कोई सवाल नहीं करोगे। गाड़ी बहुत महंगी है। मोहसिन कौन है? मैं नहीं जानता। उससे फोन पे बात होती है, उर्दू में बात करता है, मुझे माल देता है, मैं डिलीवरी देता हूँ। उसकी शक्ल मैंने नहीं देखी सर। लेकिन जो आया था उसे तो देखा था ना? अब
उसके बाल घुंघराले नहीं थे, स्वेटर या फिर गंजी जैसा कुछ था, यहाँ पे कॉलर था। हाँ सर, कॉलर। एक के बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट, एक के बाद एक धमकी, इतने लोगों की जान जा चुकी है, सवालों की गुत्थी ज्यों की त्यों। तो क्या ग्लोरी केमिकल से लोटस इंटरनेशनल के मालिक के सूत्र को पकड़ के हम बॉम्ब ब्लास्ट की जड़ तक पहुँच पाएंगे? जाने के लिए देखते रहिए। कैमरामैन मेहर के साथ मैं ज्योति। यहाँ से वहां लेकर जाओ। हाँ, वहां लेकर जाओ। हेलो। हेलो मैडम, आप मुझे नहीं जानती लेकिन मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मतलब? ओ ओ ठीक है। सर आइए। बैठिए। मुझे आपका कोऑपरेशन चाहिए। क्या कह रहे हैं, मैं तो हमेशा आप लोगों की खिदमत में लगा रहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि ग्लोरी केमिकल्स की चोरी से लेकर आपके स्कूल में हुए बॉम्ब ब्लास्ट तक, क्या आपको नहीं लगता कि ये सारा वाकया एक ही कड़ी से जुड़ा हुआ है? नहीं तो? ओ, दरअसल मैं भी आप लोगों की तरह अंधेरे में हूं। अच्छा, इसे देखिए, क्या आप पहचानते हैं इसे? नहीं तो, कभी नहीं देखा मैंने। थोड़ा गौर से देखिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। सॉरी। थैंक यू। अगर याद आए तो जरूर बताइएगा। आपको या फिर ब्लास्ट के बाद से आपके दो आदमी मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्हें? बाय। हेलो सर, वो किलर मिलन हसरत करीम के ऑफिस के सामने बुर्खा पहनी एक औरत के साथ बात कर रहा है। जी सर। उस औरत की पूरी डिटेल्स चाहिए। यस सर। और देखना वो भागने न पाए।
Get down! Hey! Hey! जी, I mean, thank you. ज्योति, 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 मैडम, मैडम, क्या करें? मेरी बात तो सुनो. अरे, अरे, ये आदमी, आपको नहीं पता? ये आदमी मुझे अब तक फॉलो कर रहा था. क्यों फॉलो कर रहे थे? ज्योति, ये मेरा आदमी है. मैंने इसे कहा था कि तुम्हें फॉलो करें. इनफैक्ट इसी ने मुझे बताया कि तुम्हें कोई फॉलो कर रहा था. आप जाइए. वैसे तुम यहां पर क्या कर रही हो? वो किसी ने मुझे कॉल करके यहां आने को कहा, ब्लास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए. ब्लास्ट के बारे में? और तुम यहां पर ऐसे ही अकेली चली आई? अच्छा, इस केस में तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों है? हां, बताओगी? 2 साल पहले आपके साथ प्रेस ब्रीफिंग में बहस होने के बाद ऑफिस ने मुझे क्राइम बिट से हटाकर फैशन बिट दे दिया. जिल्लत और शर्म के मारे मैं नौकरी छोड़कर विदेश अपनी बहन के घर चली गई. जर्नलिज्म मैंने शौक की वजह से नहीं किया. बचपन से मेरा ख्वाब था, मैं बाबा की तरह क्राइम जर्नलिस्ट बनूंगी. 3 महीने पहले बांग्लादेश आई, उसके बाद ग्लोरी केमिकल्स की डकैती के केस में मैं जानबूझकर इन्वॉल्व हुई, ताकि आपसे पहले इस केस को सॉल्व करके मैं सबके सामने आपका सर झुका सकूं. और इसीलिए तुम अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो गई? मेरे लिए मेरा सपना मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है. I'm sorry. Thanks for saving my life. You're not welcome. मुझे हरा दिया ना, अब चले. आ जाओ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप करता हूं. तुमने प्लान बर्बाद कर दिया. तुमने अपना चांस गंवा दिया. नो 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 नो, सब कुछ हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए. मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि फिक्र की कोई बात नहीं है. कम ऑन, तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो. मैं इसकी प्लानिंग बहुत समय से कर रहा हूं सर, और मुझे कोर टीम तक किसी भी हाल में पहुंचना है. वेल, देखते हैं तुम अपना काम कैसे करते हैं. वक्त आ गया है. सॉरी सर, मैं ट्रेनिंग में बिजी था.
अच्छा रात तुम बांग्लादेश कब लौटोगे? मेरी ट्रेनिंग खत्म होने में अभी 2 हफ्ते बाकी है। क्यों सर, कुछ काम था? आप कहे तो वापस आ जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें क्वालालंपुर में ही काम करना है। अच्छा, ढाका में बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में तो सुना होगा। जी सर, ये केस काफी चर्चा में है। कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई है, तुम्हें बस मेरा एक काम करना होगा। मामला बहुत ही अहम और कॉन्फिडेंशियल है। यस सर, मुझे क्या करना होगा सर? सर, आप बस वो इन्फॉर्मेशन और स्केच मुझे भेज दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। जितनी जल्दी हो सके मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके राहत। ओके सर। जी मैं 2 मिनट में आया मैम। ओके, जल्दी आना। राहत, एनी प्रॉब्लम? यस, आई नीड योर सपोर्ट। किस तरह का सपोर्ट? बांग्लादेश में फिलहाल सिचुएशन काफी क्रिटिकल है। इस वक्त ढाका में डर का माहौल छाया हुआ है। ओके, क्या मदद चाहिए तुम्हें? मुझे क्वालालंपुर में एक आदमी को ढूंढने में मदद चाहिए। वो ढाका में होने वाले हमले के बारे में जानता है। ओह, इट्स नॉट इजी राहत। पहले तो मुझे हेडक्वार्टर्स के मेरे ऑफिसर से बात करनी होगी, और सेकेंडली तुम्हें लाना होगा ऑफिशियल लेटर बांग्लादेश पुलिस से। वो हो जाएगा। लेट्स गो। ओके। ये आदमी? हाँ। जाना पहचाना है। क्या मैं देख सकता हूँ? तुम इसे कैसे जानते हो? वो इसे ढूंढ रहे हैं। जानते हो, इस आदमी को मैं ढूंढ रहा हूँ, वो भी पिछले 4 सालों से। क्यों, आप क्यों ढूंढ रहे हैं? इस केस ने मुझे बहुत परेशान किया था। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर रहा है। ये बहुत ही खतरनाक है और चालाक भी। जहां तक मैं इसको जानता हूं, ये आदमी चाहता है अंडरवर्ल्ड का लीडर बनना। नहीं मिस्टर ब्राउन, इस चेयर के लिए हमारे पास और असाइनमेंट नहीं है। यहाँ पर बैठे हुए कमेटी के मेंबर्स किसी एक नए को देखना चाहते हैं, और वही हमारा अगला चेयरमैन होगा। तुम्हें थाई बॉर्डर से गुजरना है, और कोई काले बाल वाला आएगा और तुमसे मिलेगा। मेक श्योर तुम अपनी कार नहीं खोओगे। रिमेम्बर, सिर्फ वही तुम्हारी पहचान है, समझ गए? देखना कि ये सही तरह से हो, क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ तो पोजीशन कंफर्म्ड, सस्पेक्ट कंफर्म्ड, 5 लोग हैं और साथ में उनका बॉस। बाहर जाने के सारे रास्ते ब्लॉक कर दो। देन डू दिस राइट। तैयार रहो, मेरे ऑर्डर का इंतजार करना। रोजर नाउ। हाँ? पुलिस अब तक उसे नहीं पकड़ पाई है। उस गोली का दर्द मुझे आज भी हो रहा है, शारीरिक तौर पर नहीं पर मानसिक तौर पर। तो क्या अब वो बांग्लादेश में है? हाँ, वो बांग्लादेश में है। तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूं? यहाँ एक आदमी है, यहीं क्वालालंपुर में रहता है, उसका नाम मोहसिन है। वो मिस्टर ब्राउन के बारे में जानता है। मेरे पास सिर्फ उसका फोन नंबर है। हेलो। सच में? खबर पक्की है? ओके राहत, ये रहा एड्रेस। हेलो बांग। ये saya nak tanya, kenal tak lelaki duduk dekat alamat ni? Ada, bagi saya।
0142-3442-424. ओके थैंक यू, नंबर मिल गया उसका। आउट ऑफ सर्विस, इसका मतलब है ये झूठ बोल रहा है। हे आओ जाए मैं मायने इन्हीं के स्कूल इस्ताओ बगी तो सही मन रे चकअप ताये दंगा मुमकिन दिया द सुबांग सुबांग ठीक है। क्लियर, कोई नहीं है। ही इज डेड, कुछ मिनट पहले ही से गोली लगी है। सर वो इस तरफ से भाग रहे हैं। चलो चले। ओके वो चला गया, भाग गया यहां से। उसे पता चल गया था कि हम लोग यहां आ रहे हैं। Let's move. तुम दोनों वहां देखो। ओके ओके डोंट मूव, वरना गोली मार दूंगा। मदद करो अरेस्ट करने में, नहीं तो तुम्हारा नाम भी इन केसेस में घसीटा जाएगा। मिस्टर ब्राउन कमाल के हैं, अगर वो ये असाइनमेंट पूरी करने में कामयाब होते हैं तो वो कोर कमेटी के मेंबर बन सकते हैं। और मोहसिन मिस्टर ब्राउन के बहुत ज्यादा करीब था, पर कल रात किसी अनजान शख्स से मुझे मोहसिन को मारने के लिए पैसे भेजे गए। मिस्टर ब्राउन ने बांग्लादेश के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान किया है। अरे क्या नेमत भाई, शादी पे नहीं बम डिफ्यूज करने जा रहे हैं, जब देखो डीओ लेकर फुसफुस करते रहते हो। अरे भाई पिछले साल जो बॉम्ब के कॉल्स आए थे उसमें 5 तो फेक थे, लोग बस झूठ मूठ के बॉम्ब बना कर रख देते हैं। हम भी भाग भाग कर जाते हैं कि कहीं कोई बॉम्ब ना हो। अरे मियाँ हम क्या यहाँ पर बेकार बैठे हुए? आज देखना यहाँ जा रहा ना, यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलने वाला, एक के बाद एक फेक खबरें। हाँ नेमत भाई सही कहा आपने, फेक खबर ही मिलेगी। लगाइए नेमत भाई और लगाइए, आपकी बॉडी से इतनी बदबू जो आती है। ऑल ऑफिसर्स टेक पोजीशन और इस इलाके को चारों तरफ से क्लियर कर लो। कंडीशन क्या है, सब क्लियर है ना? सब क्लियर है। बॉम्ब कहाँ है? बॉम्ब उस चिड़िया के नीचे पानी के ऊपर है सर। वो वहां पर? ओके टीम, बॉम्ब वहां पर है, आप लोगों को सारा इलाका सर्च करना होगा। देखिए वहां पर क्या है, देखिए। क्या बात है सर? कोई एंटीना या तार नजर नहीं आ रहा, सिंपल डिवाइस है, पूरा फेक है सर। लाइए
सकते हो सर। नहीं सर जी सर, जितने जरूरी कदम उठाने चाहिए हमने उठाए हैं सर। हम लोग सर सर यहां हमारी पूरी टीम मौजूद है सर। बशीर हे बशीर उठना, हे आंखें खोल बशीर, तुझे कुछ नहीं होगा बशीर। बशीर एम्बुलेंस, नेमत साहब। सर बशीर आगे बढ़कर बम देखने गया था और उसी वक्त बम ब्लास्ट हो गया। बशीर एम्बुलेंस बुलाना, क्या कर रहा है बशीर? मेरी तरफ देख बशीर, आंख खोल बशीर, तुझे कुछ नहीं होगा बशीर। बशीर ये जगह पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है और साथ ही गंभीर रूप से घायल हो गए हैं बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट के इंस्पेक्टर बशीर। उन्हें अभी अस्पताल ले जाया जा रहा है। दर्शकों आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि उनकी हालत बेहद गंभीर है। आगे की खबर हम आपको देते रहेंगे, आप सब हमारे साथ बने रहें। सर, आप सब मेरे साथ चलो और आप लोग यहाँ पर रहकर इस एरिया को कवर करना, ठीक है? अब चलो। यस सर। लेट्स गो, गाड़ी को फॉलो करना होगा, लेट्स गो। क्यों चेंज कर रहे हो? दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमें अभी अभी एक दुखद खबर मिली है। बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट के ऑफिसर एसी बशीर ने गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ दिया है। इसके अलावा हमने देखा कि एसी आबिद भी अफरा तफरी में अपनी टीम को लेकर यहां से चले गए हैं। अगली खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या कर रहे हो, जल्दी चलो। सर कहाँ है? सर ये इस अस्पताल के चीफ ऑफिसर है। सील द होल एरिया, जब तक मैं ना कहूँ कोई हिलना नहीं चाहिए। हाँ आप चलिए। आइए सर आइए। सुबह मेरे एक स्टाफ ने बताया है बॉम्ब जैसा कुछ दिखा है, फिर मैंने तुरंत आप लोगों को फोन लगाया। देखिए सर वहाँ है, वहाँ आइए सर, वहाँ वो देखिए सर, उधर है वहाँ पे। रुको। हाँ यही रुकना। मोमिन, गो गेट द इक्विपमेंट्स। ओके सर। अंदर कितने लोग हैं? लगभग 350। वो देखिए, NICU, ICU, CCU इसके ऊपर ही है। नहीं नहीं, आपकी बात सुनके जो लगता है कि हसरत करीम साहब की जान वाकई खतरे में है। वो बहुत बड़ा शैतान है। हाँ बित बोलो। सर इट्स अ डैम डर्टी प्लान, अ रेनबो हॉस्पिटल एंड I think it's huge. Shit. सुनो, लगता है वो हमसे खेल रहा है। पूरे बॉम्ब यूनिट को खत्म करना चाहता है। उसका ये मकसद कामयाब नहीं होगा। We will not, sir. Sir, I need remote deactivator immediately. Remote deactivator is going on. ये पागलपन खत्म करो। हाँ सर। निसार, तुम अभी के अभी ग्लोरी इंडस्ट्रीज के ऑफिस जाओ। सर, और हसरत करीम साहब को लेकर तुरंत हेडक्वार्टर पहुंचो। सर हरी अब। ए, गाड़ी घुमाओ, दाएं मोड़ो।
वीरेन, ए समद, समद, क्या बात? इस चेयर को किसने घुमाया? ए समद, इतने बड़े खानदान का चेहरा तुमने बदल दिया और एक मामूली सी चेयर घुमाई तो इतना गुस्सा। जी सर, सॉरी, तुम्हारी कुर्सी पे बैठ गया चाचा। ये तो तुम्हारा ही ऑफिस है जीसन। नहीं, ये सब तो अब तुम्हारा साम्राज्य है। इतनी बड़ी कामयाबी तुम्हें मुबारक हो। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी नहीं है, कोई नहीं है। जी सर, अपने चाचा को मारना चाहते हो? जब अपने बाप और अपनी सौतेली माँ का खून करते हुए मेरे हाथ नहीं कांपे, फिर तुम तो मेरे चाचा लगते हो। तुमने खुद मुझे पुलिस से बचाए रखने की बात की और अब खुद ही मुझे पुलिस के हवाले करना चाहते हो। दो खून करके मैं कानून का मुजरिम क्या बना? तुम्हारे सारे के सारे मंसूबे कामयाब हो गए हैं ना? इतने बड़े एम्पायर को देखने वाला कोई नहीं है, बस आप ही इकलौते वारिस हो। वाओ, व्हाट अ प्लान! तुम इसका बदला लेना चाहते हो? मैं अब इन बदले बदले से बहुत आगे निकल गया हूं। मलेशिया में तुम्हारे प्रोफेशनल मर्डरर से बचने के लिए मैंने अंडरवर्ल्ड ज्वाइन किया था। और अब वो अंडरवर्ल्ड मेरे कदमों के नीचे है। क्या क्या करना चाहते हो तुम? हमें खबर मिली है कि यहाँ एक और बम छुपाया गया है। सर, आईसीयू और सीसीयू के पेशेंट्स को किसी भी हालत में मूव करना मुश्किल है। मरीज बहुत ज्यादा है, आईसीयू का एक भी बेड खाली नहीं है सर, और कुछ पेशेंट्स की हालत इतनी खराब है कि मूव करना तो संभव ही नहीं है। मोमिन जी सर, रिमोट डीएक्टिवेटर कहां तक पहुंचा? अच्छा सुनिए जी, सर शंकर, शंकर और कितना टाइम लगेगा? इट्स अर्जेंट। कोशिश कर रहे हैं सर, रास्ते में बहुत ट्रैफिक है, ट्रैफिक में फंस गए हैं सर। अरे तो किसी दूसरे रास्ते से आओ, कैसे भी यहाँ पर पहुंचो जल्दी। थिंक अबाउट योर पास्ट। तुमने अपने फ्यूचर के लिए मेरे प्रेजेंट को इस्तेमाल किया। मैं भी वही करूंगा। जी सर, तुम्हें जितना रुपया चाहिए मैं दूंगा, ये कंपनी भी तुम ले लो, सब कुछ तुम। तुम्हारे साथ थोड़ी देर और खेलने का प्लान था चाचू, सब गड़बड़ कर दी सब। दोहिल इलाके में बॉम्ब ब्लास्ट के बाद शहर में एक दबे हुए आतंक का माहौल है। इसी बीच रेनबो अस्पताल में बॉम्ब मिलने की खबर से ढाका निवासी गुमसुम हो गए हैं। पूरे शहर में अफरा तफरी मच चुकी है। शहर के वासियों का मानना है कि इस ब्लास्ट से पूरे देश को खतरा है। इस घटना के पीछे किसी आतंकवादी गिरोह का हाथ है कि नहीं, इस बारे में पुलिस कुछ नहीं बता रही है। हमारे साथ बने रहिए, शायद हम किसी ऐतिहासिक घटना के गवाह बन सकते हैं। पूरे शहर में विशेष सावधानी की घोषणा करते हुए सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जो पुलिस कर्मी छुट्टी पर हैं, उन्हें पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से जल्दी रिपोर्ट करने के लिए ऑर्डर दिया गया है। अंग्रेज, दीज आर द रोड्स 1, 2, 3, 4। अगर हम चारों रास्तों से एक साथ मूव करें तो फिर हम एक मिनट वैसे हम यहां से
भी जा सकते हैं ये इस तरफ से। हाँ सर बोलो। He is no more। रिसेप्शनिस्ट के साथ साथ एक प्यून का भी खून कर दिया है। अशफाक हमारी आखिरी कड़ी भी खो गई। ब्लास्ट के अलावा हॉस्पिटल में बॉम्ब के मिलने की खबर से लोगों के बीच आतंक का माहौल बना हुआ है। खासकर लोटस स्कूल में बॉम्ब ब्लास्ट और आज के डोयल इलाके में विस्फोट के बाद अस्पताल में बॉम्ब मिलने की वजह से जनता काफी घबराई हुई है। This is the right time. इसी बीच अस्पताल खाली करने का काम लगभग पूरा हो चुका है। इस सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट को ढाका अटैक का नाम दिया जा रहा है। जनता से अनुरोध किया जा रहा है कि पुलिस अपना काम कर रही है, कृपया घबराएं नहीं। लेकिन घटना का आतंक चारों तरफ छाया हुआ है। बूम! हटिए हटिए जैमर ऑन करो क्विक। ऑन ही है सर। क्या मतलब सर? रिमोट डीएक्टिवेटर ऑन रखो। सर हम तो अभी तक पहुंच नहीं पाए सर। फिर भी ऑन रखो, जितना हो सके कवर कर सकते हैं। ओके सर ओके सर। ओ गाड़ी ले आओ जल्दी। यस सर। आ जाओ जल्दी। आओ जल्दी। हट जाओ, उसे आने दो, जल्दी करो। रिमोट डीएक्टिवेटर ऑन करके बॉम्ब के रिमोट कंट्रोल फंक्शन को ऑफ कर दिया गया है। अब हम टेस्ट करके देखेंगे कि बॉम्ब किस टाइप का है। सर अगर बॉम्ब डिफ्यूज नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? देखिए अगर किसी एक की जान को खतरा हो तो भी हम बॉम्ब डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, ये हमारा काम है। और जान का सवाल ही नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं और आप सबसे सहयोग की भी उम्मीद रखते हैं। तो प्लीज नो मोर क्वेश्चंस, अभी काम का टाइम है। प्लीज मोमिन देखना कोई भी अंदर ना आ जाए। और आबिद बात सुनो, बाकियों की तरह अंदर जाने से तो तुम्हारी जान को और ज्यादा खतरा है। अगर इतने सारे लोगों की जान बचानी है तो फिर खतरा तो उठाना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए तुम्हारी जिंदगी भी कीमती है आबिद। अभी अपने बारे में सोचने का तो बिल्कुल वक्त नहीं है ज्योति। इतने लोगों की जान खतरे में है और मैं ऐसे में अगर खुद के बारे में सोचूंगा तो गलत होगा। क्या है स्टेटस? जी सर थोड़ा टाइम और लगेगा। सर हाँ बोलो। सर मैं जब एक्सरे लेकर बॉम्ब के पास गया था तो मुझे एक आवाज सुनाई दी थी। कैसी आवाज आ रही है? टिक 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 की साउंड सर। इसका मतलब कि बॉम्ब अल्टरनेटिव सर्किट से चल रहा है। ग्लोरी केमिकल्स में डकैती, लोटस स्कूल पे कार बॉम्ब अटैक, यहां तक कि जो 5 खून हुए हैं उन 5 डेड बॉडीज के पास मिले हैं ये 5 चबाए हुए च्यूइंग गम के टुकड़े। आज सुबह डुएल इलाके में मिला च्यूइंग गम। ये च्यूइंग गम्स देखकर लगता है कि सब एक ही ब्रांड के हैं और इनके डीएनए पैटर्न सेम है। इसका मतलब कोई एक शख्स ये काम कर रहा है। ट्रेस कर पाए? जी सर, हाजीमुल करीम जीसन ग्लोरी ग्रुप का असली मालिक, आसानुल करीम सिद्दीकी का इकलौता बेटा,
जिसन की अम्मी जब गुजरी उस समय जिसन 4 साल का था। पैदा होने के समय से ही जिसन एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड रहा है। बचपन से ही बेरहमी, बदले की भावना और जिद ने जिसन को अकेला कर दिया था। पढ़ाई लिखाई में माहिर था और जिसन इंजीनियरिंग जीनियस था। 8वीं क्लास में पढ़ते हुए जिसन ने खुद जो बॉम्ब बनाए थे उसे स्कूल ग्राउंड में ब्लास्ट किया। उसके बाद उसका स्कूल जाना भी बंद हो गया। अकेलेपन से उसके मन का आक्रोश बढ़ने लगा और दिन ब दिन वो ज्यादा बेरहम बनता चला गया। अब्बास, जरा इधर आ। अरे जल्दी आना। क्या पानी में से वो बॉल निकाल दो। जिसन को ये सब करने में मजा आता था। बाप के पावरफुल होने की वजह से उसके सारे गुनाहों पर पर्दा डाला जाता था। जिसन के बाप की दूसरी शादी के बाद जिसन से उनकी दूरी और बढ़ने लगी। जिसन की जिंदगी में सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई थी तो उसकी सौतेली माँ। तुम्हारे पहले के तौर तरीके नहीं चलेंगे। अब से मैं जैसे कहूंगी तुम्हें वैसे ही करना होगा, समझे तुम? बस बहुत हुआ, तुम अभी इस घर से निकल जाओ। क्या हुआ, जाती क्यों नहीं हो? जिसन, अपनी माँ से कोई ऐसे बात करता है? सौतेली माँ को मारने का जो ख्याल उसके दिमाग में आया वो जिसन, हसरत करीम ने जिसन को अपने फार्म हाउस में छुपाकर पुलिस को खबर दे दी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस के आने से पहले ही जिसन फार्म हाउस से भाग गया। भारत के रास्ते मलेशिया चला गया। जिसन फरार था, उसे वांटेड साबित कर दिया गया। यहाँ हसरत करीम ने जिसन को मारने के लिए मलेशिया में किलर अपॉइंट किया, लेकिन वो उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया क्योंकि तब तक जिसन मलेशिया के टेररिस्ट हब से जुड़ चुका था। फिर जिसन ने इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप के आगे अपनी काबिलियत साबित करने के लिए टारगेट बनाया है बांग्लादेश को, और पर्सनल रिवेंज तो उसे लेनी थी। लेकिन ड्वेल इलाका, उसके पीछे का मकसद है ग्लोरी और लोटस से ध्यान भटकाना, एज वेल एज पैनिक क्रिएट करना। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है? हसरत करीम की डिवोर्सी वाइफ, जिसने अपने पति का खून करने के लिए किलर बित्ता मिलन को हायर किया था, और मलेशिया पुलिस के इन्फॉर्मेशन लिस्ट से। सर, ही इज सो ब्रूटल, उसे हर हाल में रोकना होगा साजिदुल। सर मुझे और ज्यादा फोर्स चाहिए। अस्पताल के चारों ओर का इलाका सर्च करना होगा सर। ओके।
तीन का दस तीन बज के दस समझ गए सर. गॉट इट सर. सॉरी टेक केयर. हेलो भैया आप कहाँ हैं? अपनी दीदी से बात करवाओ. भैया दीदी दर्द के मारे रो रही है. बात भी नहीं कर पा रही. भैया प्लीज जल्दी आइए. ऐसी हालत में मैं कैसे हूँ? तू पड़ोस के मुकुल भाई को बोल कि तेरी दीदी को अस्पताल ले जाएं. समझ गए भैया. दीदी मैं अभी आई. दीदी छोड़िए मुझे, मैं अभी आई. सर सर आराम से उतारिए आराम से. आईसीयू में 11 पेशेंट हैं, 12 केजी एक्सप्लोसिव है और बस एक घंटे का समय है. हैंड एंट्री के सिवाय और कोई चारा नहीं. आबिल, ये पकड़ो. मुझे एक डिजिटल क्लॉक और एक हार्ड पेपर चाहिए. मैं जा रहा हूँ. नहीं सर, मैं जाऊंगा. मोमिन सर, मैं जाता हूँ सर. निमित साहब ये क्या लगा रखा है? क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं पहले ही एक बशीर को खो चुका हूँ, अब मैं और किसी को नहीं खो सकता. सर सुनो पलाश. सर इट्स इन ऑर्डर, जस्ट गेट मी द इक्विपमेंट्स प्लीज. टाइम नहीं है प्लीज. सर तुम बॉम्ब डिफ्यूज करने जा रहे हो? लेकिन तुम्हारा बॉम्ब सूट कहाँ है? बॉम्ब सूट के साथ हैंड एंट्री नहीं कर सकते. तुम्हारे बिना काम नहीं हो सकता. देश और टीम की रक्षा के लिए अगर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा तो फिर कौन बढ़ेगा बताओ? ये तो है मेरी टीम. वादा करो तुम सेफ रहोगे मेरे लिए. वादा करो कि तुम मेरे लिए वापस आओगे. चिंता मत कीजिए, बस पहुंचने वाले हैं. धीरज रखिए भाभी, धीरज रखिए. आप धीरज रखो दीदी. सर सर हमें सबूत मिल गया सर. सर देखिए सर. ICU, CCU, वहाँ की 11 मरीजों को इवैक्यूएट करना पॉसिबल नहीं हो पाया और उन सब की देखभाल करने के लिए वहाँ सिर्फ एक ही नर्स है. उनके साथ अपनी जान की बाजी लगाकर बॉम्ब डिफ्यूज करने में जुटे हैं बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट के आबिद रहमान. अब बचा है बस इंतजार, इंतजार जिंदगी का और इंतजार आबिद की कामयाबी का. सारे देशवासियों आइए सब मिलकर ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए कि वो इस संकट की घड़ी में हमारी रक्षा करें, हम फिर से अपने अपनों से मिल सकें
एक साथ एक राह पे चल सके। SWAT, get down! Get down! SWAT, get down! Get down! Get down! Right clear! सर, ये तो बहुत बड़ा प्लान है सर, पूरा देश उड़ाने का प्लान है सर। देखिए टाइम क्या हुआ है सर, 2:20। कुछ समझ में आया सर? सारी घड़ियां 40 मिनट फास्ट है सर। मेरे पास एक खबर आई है सर, क्रिमिनल की घड़ी 40 मिनट फास्ट है सर। 40 मिनट फास्ट है, यानी बम ब्लास्ट 3:10 पे नहीं 2:30 पर होगा। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। अमित, ज्योति यहाँ पर क्यों आई? इस बिल्डिंग के ऊपर कोई संदिग्ध नजर आया है सर। यानी बस 10 मिनट बाकी है। हाँ। जल्दी ये खत्म करके मैं तुम्हारे पास वापस लौटूंगा। तुम जाओ। 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 प्लीज चलिए, चलिए यहाँ से। गो गो गो। प्लीज गो 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 गो। बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट के आबिद रहमान बॉम्ब डिफ्यूज करने में लगे हैं। क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, वक्त बहुत कम है। इस घटना की वजह से ढाका निवासी सदमे में आ गए हैं। सब एक अनजाने डर के साए में जी रहे हैं। जाओ और अपना चेहरा दिखाओ, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। वेल वेल वेल, फाइनली तुमसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर अशफाक। अच्छा ही हुआ, अस्पताल धमाके की आवाज को हम साथ में सेलिब्रेट कर पाएंगे। So let the countdown begin. 60, 59, 58, 57. रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा। Shoot me. Come on, shoot me. But if you do, इस बॉम्ब को डिफ्यूज करने वाला कोई नहीं बचेगा, बिकॉज इसके सर्किट को खुद मैंने अपने हाथों से बनाया है।
और कितना टाइम बचा है? Yes. Hey, move. Wait. Don't move. जी सर, मेरी बात सुनो जीसन. Don't move. रुको. Don't. जीसन रुको. सबको साथ लेकर मरूंगा. मेरी बात सुनो. मेरी बात सुनो. हम बात कर सकते हैं. जावेद पीछे हटो. जीसन डोंट मूव. आई सेड ऐसा मत करो. जीसन चल 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 आगे चल. Damn it! ने अभी बहुत ही क्रिटिकल टाइम पार किया है. बॉम्ब डिफ्यूज हो गया है और आप देख सकते हैं कि आबिद रहमान बाहर आ गए हैं. ये बहुत ही खुशी की बात है. हम सब ने एक साथ मिलकर इस मुश्किल समय का सामना किया और आखिरकार ये इतनी मुश्किल घड़ी पार हो गई. अच्छा कि आपने एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाया. थैंक यू वेरी मच. आपका नंबर मिल सकता है सर? नंबर God. ये क्रिमिनल मुझे मारने के लिए इतने दिनों से मुझे फॉलो कर रहा था और दोएल एरिया में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ वो मुझे मारने के लिए था. Yes? बोलाई बाजार रोड से सस्पेक्ट भाग गया है. ओवर. दत्त! ए, रुक जाओ. तुम कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, बस इतना पता है कि उसे रोकना होगा. वो एक मॉन्स्टर है. टीम, ऑल इक्विपमेंट्स पैक अप एंड वेट फॉर द फर्दर इंस्ट्रक्शंस. ओके सर, कम ऑन, मूव एवरीवन, मूव. उफ ज्योति, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी. अरे सभी अहम जगहों पर सिक्योरिटी के लिए पुलिस दल और पहुंचाइए. ट्रैफिक पुलिस को कहिए कि जितनी भी बाइक और कार है उन्हें पूरी तरह चेक करें. क्रिमिनल बचना नहीं चाहिए. सबको बोलो रेड सिग्नल ऑन करें. अलर्ट पोजीशन में रहें. अश्फाक को कहिएगा संभाल के रहे. चोर को पकड़ने के लिए चोर की तरह सोचना होगा. S1O5U8T6 अल्फाबेट से स्कूल का हिंट तो दिया था. अब ये नंबर से क्या हिंट मिल सकता है? क्या होगा आखिर? स्टॉप स्टॉप स्टॉप. क्या हुआ? नेशनल फ्लैग सेरेमनी के दिन उसने अटैक का प्लान किया है. वहां लगभग 1,00,000 बच्चे इकट्ठा होने वाले हैं. लेकिन वो तो 4 दिन बाद है ना. आज क्या है?
आज उनकी फाइनल रिहर्सल है। हमारे ऑफिस वालों को उन्होंने कैमरा ले जाने के लिए कहा था, पर वो लोग मैनेज नहीं कर पाए। ओके। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, आप मेरी गाड़ी लेकर जाइए, मुझे ये बाइक दीजिए। ठीक है सर, लीजिए। लोकेशन मिल गई। अच्छा, मुझे बस एक बात जानने का बड़ा मन है, इतना दिमाग लगा के तुम क्या हासिल करना चाहते हो? लोकेशन कंफर्म्ड। आई वांट टू बी द किंग ऑफ फियर। पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि एक अकेला इंसान होकर मैं क्या कर सकता हूं। अच्छा, और ये सब करने के लिए तुम्हें अपना ही देश मिला था? 2 मिनट। इतनी जानी पहचानी जगह और कहां मिलती? कब्र के लिए भी जानी पहचानी जगह अच्छी रहती है, पता है ना? मेरी कब्र को लेकर मुझे कोई फिक्र नहीं है। थोड़ी ही देर में जब हजारों कब्रों को लेकर जब तुम लोगों को फिक्र होगी, वो सोचकर मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। सच कह रहा हूं, बहुत टेंशन हो रही है। Sorry for this inconvenience. बस हम पहुंचने वाले हैं। जरा इस जमीन को देख, ये तेरे अपने देश की जमीन है। तेरे माँ बाप दफन है यहाँ पर। Sorry, वो सब मैं बहुत पहले ही भूल चुका हूँ। मेरा कोई नहीं था। बस पहुंच गए। तेरा लक, तेरी विश, आज कुछ भी तेरे साथ नहीं है।